नमस्कार दोस्तों, आज बताऊंगी चंदन तिलक का महत्व। हमारे धर्म में चंदन के तिलक का बहुत महत्व बताया गया है। शायद भारत के सिवा और किसी देश में मस्तक पर चंदन का तिलक लगाने की प्रथा प्रचलित नहीं है। यह रिवाज अत्यंत प्राचीन है। माना जाता है कि मनुष्य के मस्तक के मध्य में विष्णु भगवान का निवास होता है और तिलक ठीक इसी स्थान पर लगाया जाता है। भगवान को चंदन अर्पण। भगवान को चंदन अर्पण करने का भाव यह है कि हमारा जीवन आपकी कृपा से सुगंध से भर जाए और हमारा व्यवहार शीतल रहे, यानी हम ठंडे दिमाग से काम करें। अक्सर उत्तेजना में काम बिगड़ता है। चंदन लगाने से उत्तेजना काबू में आती है। चंदन का तिलक ललाट पर या छोटी सी बिंदी के रूप में दोनों भौहें के मध्य में लगाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी तिलक लगाना उपयोगी माना गया है। माथा चेहरे का केंद्रीय भाग होता है, जहां सबकी नजर अटकती है। उसके मध्य में तिलक लगाकर देखने वाले की दृष्टि को बांधे रखने का प्रयत्न किया जाता है। तिलक का महत्व हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। मस्तिष्क के भ्रू मध्य ललाट में जिस स्थान पर टीका या तिलक लगाया जाता है, यह भाग आज्ञा चक्र है। शरीर शास्त्र के अनुसार पीनियल ग्रंथि का स्थान होने की वजह से जब पीनियल ग्रंथि को उद्दीप्त किया जाता है तो मस्तिष्क के अंदर एक तरह के प्रकाश की अनुभूति होती है। इसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है। हमारे ऋषिगण इस बात को भली भांति जानते थे। पीनियल ग्रंथि के उद्दीपन से आज्ञा चक्र का उद्दीपन होता है। इसी वजह से धार्मिक कर्म कांड, पूजा उपासना व शुभ कार्यों में टीका लगाने का प्रचलन से बार बार उसके उद्दीपन से हमारे शरीर में स्थूल सूक्ष्म अव्ययन जागृत हो सके। इस आसन के तरीके से सर्वसाधारण की रुचि धार्मिकता की ओर, आत्मिकता की ओर, तृतीय त्रिनेत्र जानकर इसके उन्मूलन की दिशा में किया गया प्रयास, जिससे आज्ञा चक्र को नियमित उत्तेजना मिलती रहती है। शास्त्रों के अनुसार माथे को इष्ट देव का प्रतीक समझा जाता है। हमारे इष्ट देव की स्मृति हमें सदैव बनी रहे, इस तरह की धारणा को ध्यान में रखकर ताकि मन में उस केंद्र बिंदु की स्मृति हो सके। शरीर व्यापी चेतना शनय शनय आज्ञा चक्र पर एकत्रित होती रहे। चूंकि चेतना सारे शरीर में फैली रहती है, अतः इसे तिलक या टीके के माध्यम से आज्ञा चक्र पर एकत्रित कर तीसरे नेत्र को जागृत करा सकें, ताकि हम परमानसिक जगत में प्रवेश कर सकें। चंदन लगाने के प्रकार। स्नान एवं धौत वस्त्र धारण के उपरांत वैष्णव ललाट पर ऊर्ध्व पुंड, शैव त्रिपुंड, गाणपत्य, रोली या सिंदूर का तिलक शाक्त एवं जैन क्रमशः लाल और केसरिया बिंदु लगाते हैं। धार्मिक तिलक स्वयं के द्वारा लगाया जाता है, जबकि सांस्कृतिक तिलक दूसरा लगाता है। नारद पुराण में उल्लेख आया है, ब्राह्मण को ऊर्ध्व पुंड, क्षत्रिय को त्रिपुंड, वैश्य को अर्धचंद्र, शूद्र को वर्तुलाकार चंदन से ललाट को अंकित करना चाहिए। योगी, सन्यासी, ऋषि, साधकों तथा इस विषय से संबंधित ग्रंथों के अनुसार भ्रिकुटी के मध्य भाग दे दीप्तिमान है। चंदन के प्रकार। नंबर 1, हरिचंदन। पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के काष्ठ को घिसकर उसमें कपूर, अरुरु या केसर के मिलाने से हरिचंदन बनता है। नंबर 2, गोपी चंदन। गोपी चंदन द्वारका के पास स्थित गोपी सरोवर की रज है, जिसे वैष्णव में परम पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख आया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों की भक्ति से प्रभावित होकर द्वारका में गोपी सरोवर का निर्माण किया था, जिसमें स्नान करने से उनको सुंदर का सदा सर्वदा के लिए स्नेह प्राप्त हुआ था। इसी भाव से अनुप्रेरित होकर वैष्णवों में गोपी चंदन का ऊर्ध्व पुंड मस्तक पर लगाया जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।